22 जून 2020 को दिया था और सेंचुरी प्लाईवुड, और उस दिन मैंने मीडियम टर्म पिक के तौर पे दिया था और मार्केट देखिए तब अपना एसपीएल मिड कैप का पहला शो था और उस दिन कहां लेवल्स थे और कहां पे आज पहुंच चुका है। बट फिर भी आज देने का कन्विक्शन इसीलिए आता है कि उस टाइम पे सेंटिमेंट्स इतने खराब थे, लॉकडाउन का माहौल था तो हर स्टॉक टूट रहा था। उस टाइम पे गधे घोड़े सबका ट्रीटमेंट एक था, मगर वहां पे हम घोड़े लेके आए थे, मैं अपना पैनल आपकी पूरी टीम आप लोग सब लोग बहुत अच्छे से लाए थे और उस टाइम पे सेंचुरी बोर्ड्स को मैं सामने लाया था और मुझे याद है वो उस दिन नेगेटिव में था वो स्टॉक, फिर पॉजिटिव में थोड़ा सा बंद हुआ और उसके बाद से नॉन स्टॉप रैली दिया। 115 पे रेकमेंड किया था, 150 का टारगेट था और आज 427 रुपए के लगभग शायद भाव होगा जब मैं कल रिसर्च कर रहा था और अभी तो टूटा हुआ भी होगा। फैंटास्टिक क्वालिटी कंपनी है और इस ग्रुप की कंपनी को मैंने स्टार सीमेंट को भी काफी बार रेकमेंड किया है, नॉर्थ ईस्ट में जबरदस्त नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड कंपनी और पूरे इंडिया का सबसे बड़ा प्लाईबोर्ड और लैमिनेट्स का सबसे बड़ा प्लेयर है और 10,000 करोड़ के लगभग की मार्केट कैप है, 9,000 करोड़ की और फैंटास्टिक फंडामेंटल्स और बहुत बढ़िया से ये लोग इनोवेशन भी कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज सेगमेंट में ये और ग्रीन लैम्प ग्रीन प्लाई ये जो है ये लोग कंपनीज लोग का एक अलग ही एक मजबूती बनी हुई है और जून का क्वार्टर भी बहुत बढ़िया है। लास्ट ईयर जून तो लाजमी था कि लॉस में जाता, इस ईयर जून में भी इनको थोड़ा अफेक्ट इसीलिए आया कि लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा था और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और इंटीरियर्स एक्टिविटीज भी अफेक्टेड थे, बट पिछले जो तीन क्वार्टर थे सेप्टेम्बर दिसंबर और मार्च एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली अच्छे थे, मतलब 87 करोड़ 66 करोड़ 50 करोड़ के पैट। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए इन लेवल्स पे और 490 का टारगेट, अगेन फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, सेंटीमेंट्स बहुत खराब है तो आपको थोड़ा सा अगर आप लंबे समय के लिए ले सकते हैं तो इस स्टॉक को लीजिएगा। काफी अच्छे खासे नामचीन है, DIIs FIIs इन्वेस्टेड है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लॉन्गर टर्म के टाइम फ्रेम से लीजिए, 6 से 9 महीने की अवधि दीजिएगा।